अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 4, पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने पढ़ा था ना, अधिक बलवान कौन, सूरज और हवा का। तो सूरज इसमें अधिक ताकतवर था और हवा जो है वो कम ताकतवर निकली। तो अब हम इसके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम जब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसमें देखिए, पहला है शब्दों का खेल, ये है ताज महल, ये एक शब्द है, इससे और बहुत सारे यहाँ पर शब्द बने हैं। जैसे एक बना है ताज, एक है महल, एक है जम, ये यहाँ से ज और म लेके एक शब्द बना दिया जम, एक बन गया हल, ह ल हल, फिर है ताल, ये रहा ता और ये ल, इन दोनों को जोड़ के बन गया ताल, फिर एक बन गया मल, तो ये म और ल इनको जोड़ के बन गया मल। तो अब नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। इस शब्द में से ये है कमल ककड़ी, इसमें से क्या ढूंढना है, 8 शब्द निकालने हैं। तो पहला हम निकालेंगे कमल कमल, फिर है ककड़ी ककड़ी, फिर कम, ये क म कम, फिर कड़ी कड़ी कड़ी, फिर लकड़ी लकड़ी, मकड़ी मकड़ी, फिर कल क ल कल, फिर है मल म ल मल। तो इस तरीके से हमने ये 8 शब्द बना लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्द की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। अब इसने बोला कि बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द लिख सकते हैं, बलवान और ताकतवर का एक ही मतलब होता है। तो ये जो वर्ड लिखे हैं इनका मिलता जुलता अर्थ वाला, सेम अर्थ वाला आपको नया शब्द बनाना है। तो इसमें देखिए, पहला है अधिक, अधिक का मतलब हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं ज़्यादा, अधिक का मतलब भी ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब भी ज़्यादा, अधिक दोनों एक ही मतलब हुआ। फिर है फ़ायदा, फ़ायदा का क्या लिख सकते हैं हम, लाभ, फ़ायदा और लाभ का एक ही मतलब है। नमस्कार, नमस्कार को हम और क्या बोलते हैं, प्रणाम, नमस्कार को क्या बोलते हैं और प्रणाम। शरीर, शरीर यानि हमारी बॉडी, इसको हम और किस भाषा में बोल और किस शब्द के से बोलते हैं, तन, तन का मतलब भी होता है शरीर। फिर झगड़ा, झगड़ा यानि लड़ाई, सर्दी यानि ठंडी। तो इन शब्दों को हम इसकी जगह और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।